रुक जाओ डूबा डूबा एक। हुआ क्या बालवीर? तौबा तौबा, यहाँ से अकेला चलकर नहीं गया? ये क्या कहना चाहते तुम? यही कि तौबा तौबा के साथ साथ यहाँ से भयंकर परी भी चलकर गई है। ये देखो, तौबा तौबा के पैरों के निशान के साथ साथ यहाँ किसी और के भी पैरों के निशान है, और यहाँ भयंकर परी के अलावा दूसरा कौन हो सकता है? इसीलिए भयंकर परी अभी भी जीवित है, और वो यहाँ से तौबा तौबा के साथ चल कर गई है। हाँ? लेकिन हो सकता है ऐसा कैसे? भयंकर परी ने सही कहा था, उसका अंत करना आसान नहीं है। लेकिन बालवीर, किया था तुमने वार उस पे, और हुआ था अंत हमारी आंखों के सामने उसका। मैंने उसका अंत नहीं किया था डूबा डूबा, उससे खुद अपने आप को समाप्त करने का नाटक किया था, ताकि हमें लगे कि वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई, और हम उसका अंत किए बिना यहाँ से चले जाएं। बहुत अच्छी चाल चली तुमने भयंकर परी, लेकिन तुम्हारे नाटक से पर्दा उठ ही गया। लेकिन लेकिन हो क्यों नहीं रहा भयंकर परिकांत महापरिशस्त्र के वार से भी? उसी का तो पता लगाना है कि कैसे बच रही है वो मेरे हर वार से। कौन कर रहा है उसकी सुरक्षा? ऐसी कौन सी शक्ति है भयंकर परी के पास जिससे हम उसके प्राण नहीं ले पा रहे? कहीं सचमुच में ऐसा तो नहीं कि भयंकर परी के शरीर में उसके प्राण है ही नहीं? चलो डूबा डूबा, हम इन पद चिन्हों की दिशा में जाकर भयंकर परी के सच का पता लगाते हैं। आहा, कहा था सही तुमने, नहीं बदल सकता ये मेरा जुड़वा भाई तोबा तोबा कभी। बस मिल जाए इस बार, मैं भी अंत करूंगा उसका। बस चाहिए मुझे उसके लिए तुम्हारे जैसा एक छोटा सा महापरिशस्त्र। शांत डूबा डूबा एक, शांत। भयंकर परी का अंत करना हमारा अहम लक्ष्य है, इसलिए हमें उससे भटकना नहीं चाहिए। है ये भी सही। चलो रुको डूबा डूबा, हम साथ में नहीं जाएंगे बल्कि हम अलग अलग दिशा में जाएंगे, क्योंकि कुछ कदम के बाद भयंकर परी के पैरों के चिन्ह खत्म हो रहे हैं। इसलिए अलग अलग दिशा में जाओ, तुम उस दिशा में जाओ, मैं इस दिशा में जाता हूँ। है ठीक, चलो। अरे कब तक भागेंगे रोहित? भागते भागते स्कूल के बाहर आ गए। अगर मोंटू बॉस ने कागज देख लिया वो तो हमें मार डालेंगे। लगता है मोंटू बॉस ने सस्ती वाली इंक ली है, इसलिए इंक मिटी नहीं रही है। हाँ यार, ये नहीं मिटेगा तो मोंटू बॉस हमें मिटा देंगे। चल इस कागज को फाड़ के फेंक देते। हाँ यार चल चल। मोंटू गधा है। हाँ? हाँ? मोंटू उल्लू है। हाँ? मोंटू बेवकूफ। मोंटू गेंडा है। मोंटू हाथी है। हाथी? हाथी हूँ ना मैं, अभी तुम्हें बताता हूँ। हाथी जब पागल होता है ना तो हाथी क्या करता है? सॉरी बॉस, सॉरी, हम तो बस आपकी लाइव इंक चेक कर रहे थे, और हमें लगता है कि दुकानदार ने आपको नकली इंक देकर कौवा बनाया है। ए, उसे कौवा बनाना नहीं, उल्लू बनाना कहते हैं। बस अब एक उल्लू को कैसे कोई उल्लू बना सकता है? मेरा मतलब है बस, देखो ना, उसने आपको उल्लू बनाया। देखो ना बस, इस कागज से इंक मिटी नहीं रही है। हाँ बस, हमने जो भी लिखा था कि मोंटू उल्लू है, हाथी है, मतलब वो सब अभी तक पेपर पे ही है। ऐसे तुम मानो मेरे स्कॉलरशिप एग्जाम में पास हो जाएंगे। सबसे बड़े उल्लू तो तुम दोनों। ये लिखा हुआ इसलिए नहीं मिटा क्योंकि ये तुम्हारी मैजिकल इंक जैसा नहीं है जो दो मिनट में मिट जाए। ये महंगी इंक है, बढ़िया इंक है, इसे मिटने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, पर इससे होगा क्या? अरे बेवकूफो, अगर मैं तुम दोनों की इंक यूज करूंगा ना तो मानो मेहर को पता चल जाएगा कि उन्होंने जो लिखा है ना वो गायब हो गया,
और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि उनका जो पेन है उसके अंदर जो इंक है ना वो इंक में कुछ गड़बड़ है, तो वो पेन चेंज कर देंगे। और अगर मैं मेरी इंक यूज करूंगा ना तो उनका पेपर खत्म होने तक उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी इंक उड़ गई है, समझे? वाह बॉस वाह, अब तो हाथी और हाथी। मेरा मतलब है कि उसका दिमाग भी आपके शरीर जितना बड़ा है। मतलब आपका दिमाग भी हाथी के शरीर जितना बड़ा है। बड़ा झटका तो मानव मेहर को लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि वो स्कॉलरशिप एग्जाम में फेल हो गया। मानव मेहर, मैं तुम्हें स्कॉलरशिप कभी मिलने नहीं दूंगा। अब होगा मोंटू का बोलबाला और मानव मेहर का मुंह काला। मोंटू का होगा बोलबाल, मानव मेहर का मुंह काला। मोंटू का होगा बोलबाल, मानव मेहर का मुंह काला। भयंकर परी ने इस बार बहुत बड़ी चाल चली है। उसने बहुत चालाकी से ऐसा कुछ किया है जिससे मैं उसका अंत नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने महापरी शस्त्र से भयंकर परी पे दो बार वार किया, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। मगर क्यों, कैसे बच रही है वो? भयंकर परी की परछाई, इसका मतलब भयंकर परी भी यहीं कहीं है। कहां गई है भयंकर परी? भयंकर परी, मैं जानता हूं कि तुम यहीं गई हो। मैंने अभी अभी तुम्हारी परछाई देखी है, तुम ज्यादा देर तक मुझसे छुप नहीं सकती। तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम खुद मेरे सामने आ जाओ। सुना तुमने भयंकर परी? बालवीर, 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 है देखा मैंने भयंकर परी को तोबा तोबा के साथ महल के पास। चलो चलो मेरे साथ चलो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी भयंकर परी की परछाई को यहाँ देखा है। क्या? हाँ, भयंकर परी यही कहीं छुपी हुई है। नहीं नहीं बालवीर, है देखा मैंने खुद अपनी आंखों से, है भयंकर परी तोबा तोबा के साथ महल के पास। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है डुबा डुबाइक, एक ही समय में भयंकर परी दो जगह कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, वो सब नहीं जानता मैं, लेकिन है ये सच, है देखा मैंने भयंकर परी को तोबा तोबा के साथ महल के पास। डुबा डुबाइक, मानो मेरी बात बालवीर। ठीक है डुबा डुबाइक, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने भयंकर परी को वहां देखा है तो हम चलते हैं। हाँ, चलो चलो। मेहर, कल पापा ने मुझे ऐसा समझाया कि मैथ्स मुझे बहुत आसान लग रहे हैं। तू देखना, आज मैं सब लिख कर आऊंगा और सबसे पहले पेपर मेरा ही खत्म होगा। नहीं। क्यों? नहीं क्यों? क्योंकि सबसे पहले पेपर तो मेरा ही खत्म होगा। मानव, इस साल हमें स्कॉलरशिप मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ चल, अभी एग्जाम शुरू होने वाली है, उससे पहले हम भगवान के सामने माथा टेक के आते हैं। पापा ने क्या कहा है? अरे हमें अच्छे मार्क्स मिले इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि भगवान ने हमें इतने अच्छे मम्मी पापा दिए, इसलिए थैंक यू बोले। हाँ चल चल। हाँ चल चल। लगता है तू भूल गई मुझे मेहर, क्योंकि मैं तुझे ये स्कॉलरशिप मिलने नहीं दूंगा। और मानो ऐसा करने से मुझे भगवान भी नहीं रोक सकते। चलो रे। जल्दी पेन निकालो, पेन निकालो। अरे तुम दोनों का नहीं, मानो मेरे का पेन निकालो उनके बैग से। अरे वाह, खोलो खोलो जल्दी खोलो। अरे मेरा शर्ट नहीं। क्या खोले? आपके जूते? अच्छा है, जूते खोलेंगे तो भागने में आसानी होगी। चुप, जूते तो तुम्हें पड़ेंगे। जल्दी से मानो मेरे की पेन खोलो और उसमें इंक डालो।
यार। हो गया, हो गया। ठीक है, चलिए नहीं, बैग में पैक करो, पैक करो। मानव महर, अब तुम स्कॉलरशिप का पेपर लिखोगे जरूर, लेकिन वो लिखा हुआ ना अपने आप उड़ जाएगा। इस बार मैंने तुम्हारे किए कराए पर पानी नहीं, इंक फेर दी है। मोंटू का होगा बोल बाला, मानो महल का। धीरे धीरे आराम से। मोंटू का होगा बोल बाल, मानो महल का ऊकल। चुप करो मत आवाज बार बार। ये नहीं, तुम इतनी बेवकूफ पहले। हो गई हो तुम भी कमाकल, जब से समाय है परी भयंकर के प्राण तुम में। बकवास बंद करो, तौबा तौबा, वरना तुम्हें भी चील बना दूंगी। चिल्लाइए मत। मतलब है चिल्लाना तो चिल्लाइए इस पे जो घूम रही है भयानक लोग में बिना डरे। डरेगी कैसे, आखिर है तो मेरी ही परचाई ना। तो होगा इसका भी हाल आपके ही जैसा, अगर देख लिया बालवीर ने इसे भी। चुप। बालवीर इसे कैसे देखेगा, वो तो परीलोक में मेरे मरने का जश्न मना रहा होगा। देखा है ना यही भयंकर परी। हाँ, लेकिन फिर मैंने वहां किसको देखा था? अब मैं एक एक करके अपनी सारी शक्तियां फिर से हासिल करूंगी और परीलोक पर अचानक से हमला बोलूंगी, और एक बार फिर मैं परीलोक की रानी बनूंगी। झील है वहां भयंकर परी की परछाई है, लेकिन जहां भयंकर परी खड़ी है वहां कोई परछाई नहीं है। लेकिन उसके बाजू में खड़े तौबा तौबा की परछाई है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे समझ आ गया है कि भयंकर परी का अंत क्यों नहीं हो रहा था। क्यों बालवीर? क्योंकि भयंकर परी के प्राण उसके शरीर में नहीं है, बल्कि उस चील में, और इसीलिए हमारे वार करने के बावजूद भयंकर परी पे कोई असर नहीं हो रहा है। है क्या तुम्हें इसका पूरा यकीन बालवीर? हाँ डुबाडू भाई, क्योंकि वो देखो जहाँ चील है वहां भयंकर परी की परछाई। लेकिन जहां भयंकर परी है वहां उसकी परछाई नहीं है। तो अब क्या करोगे बालवीर? अब मैं वार करूंगा, लेकिन भयंकर परी पे नहीं, उस चील पे। तुम्हारा खेल खत्म भयंकर परी।
बच्चों पेपर लिखना शुरू करो, सोच समझ के अच्छे से आंसर्स लिखना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। लिखो अच्छे से सारे आंसर्स लिखो मानो मैं, पर मैंने जो मैजिक इंक तुम्हारे पेन में डाली है ना, उससे तुम्हारे लिखे हुए सारे आंसर्स टीचर को पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो तब तक मैजिक इंक की तरह गायब हो चुके होंगे। तौबा, मेरा प्रधान बनने के बाद तुम ठीक से काम करना वरना तुम्हें कैद में डाल दूंगी। उसके बाद आधी जिंदगी कैद में ही रहोगे। तुम रहूंगा आधी जिंदगी ना कैद में, बाकी की आधी जिंदगी जी लूंगा कैद से बाहर आकर फिर से प्रधान बनके। बेवकूफ, आधी जिंदगी तो प्रधान बनने की इच्छा में गुजार दी तुमने, मैं बाकी आधी जिंदगी की बात कर रही।